हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूं नीरज और आप समय हो रहा है हमारा क्रिप्टो न्यूज का। दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं, तमाम खबरें आई हैं कल से लेके आज तक की, वो सब आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे से कुछ शिकायत हो, पर्सनली बात करना हो, तो आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और अभी तक आपने मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर भी मैं आपको काफी न्यूज वगैरह देते रहता हूं, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कल जो इतना ज्यादा मार्केट डाउन हो गया है उसके वजह से बहुत सारे लोग हैं जो घबरा गए हैं, काफी ज्यादा पैनिक में आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप मार्केट जाके देखेंगे तो बिटकॉइन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर आ चुका है, और बाकी सारे जो ऑल्ट कॉइन है वो भी अब धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा लॉस है तो आप उस लॉस को कम कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को एवरेज में कर लीजिए, और हाँ आप इससे आपको फायदा ये होगा कि थोड़ा सा भी कॉइन बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और मैंने भी अपना पोर्टफोलियो का एवरेज कम कर लिया है। उम्मीद यही करता हूं कि ज्यादा दिन आप लॉस ना झेलें, जल्दी आप प्रॉफिट में आ जाएं। तो चलिए आप बात करते हैं अगली खबर की। दोस्तों अगली खबर आ रही है रिपल की तरफ से। रिपल ने पार्टनरशिप कर लिया है इजिप्ट लार्जेस्ट बैंक के साथ, तो उम्मीद यही करूंगा कि रिपल का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से अब बढ़ेगा। तो अगर आपने रिपल में नहीं लगाया हुआ है या फिर पहले लगा के रखा हुआ है और आप बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं तो अभी आप उसको एवरेज कर लीजिए। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक राहत भरी खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हमें क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से कोई दिक्कत नहीं है, और वहां की जो सरकार है वो क्रिप्टो के ऊपर एक रेगुलेशन भी लेके आ रही है। तो उम्मीद यही करूंगा कि अब हमें बैड न्यूज सुनने का मौका ना मिले, ताकि जो हमारा कॉइन्स है वो फायदे में आ जाए। दोस्तों आज कार्डेनो फाउंडेशन ने ट्वीट करके बताया कि हमारे साथ 900 कंपनियां काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब इससे तो यही पता चलता है कि कार्डेनो का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 900 कंपनियां कम नहीं होती हैं, बहुत है 900 कंपनियां। अगर एक भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, लेकिन यहां पर 900 कंपनी ने इंटरेस्ट दिखाया है कार्डेनो के ऊपर। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि कार्डेनो का जो प्राइस है वो बहुत तेजी से ग्रो होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, और अभी आप कार्डेनो का प्राइस देखेंगे तो वो फायदे में आ चुका है। हालांकि मैं तो फायदे में चल रहा हूं, हालांकि आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप कितना फायदे में है या फिर आप कितने लॉस में है। और हाँ अगर आपने नहीं लगाया कार्डेनो पे तो लगा दीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा आगे जाने वाला है, और अगर आप लॉस में चल रहे हैं कार्डेनो के ऊपर तो अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, फ्यूचर में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि आजकल लोग क्रिप्टो के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करने लगे हैं, और इसका पता चला है गूगल की तरफ से। दोस्तों आज गूगल ने एक डेटा निकाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले के मुकाबले आजकल लोग ज्यादा सर्च करने लगे हैं क्रिप्टो के बारे में। जैसे कि बहुत सारे लोग ये सर्च करते हैं कि क्या हमें अपना कॉइन बेच देना चाहिए, या फिर आगे क्या होगा, या फिर हमें किस कॉइन में एंट्री लेना चाहिए, तो ये सब सर्च करने लगे हैं आजकल गूगल में। और ये चीज मैं आपको इंडिया में नहीं बता रहा हूँ, ग्लोबली ज्यादातर यूएस के लोग ये सब ज्यादा सर्च करने लगे हैं। वैसे इससे ये देखने को मिलता है कि क्रिप्टो जो है काफी ज्यादा फेमस होते जा रहा है, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो आ भी चुके हैं। दोस्तों कल जब बिटकॉइन इतना ज्यादा नीचे आ गया था तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमने बीटीसी को खरीद लिया है, जिसमें से ट्रोन के सीईओ जस्टिन सन ने बताया कि हमने 4,145 बिटकॉइन को खरीद लिया है, जिसका एवरेज है $36,000। हालांकि इन्होंने ही नहीं खरीदा है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया था, लेकिन ये एक फेमस व्यक्ति है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो इसी सब की वजह से जो बिटकॉइन का प्राइस है अभी आप देखेंगे तो ऊपर जा चुका है, हालांकि वो काफी ज्यादा नीचे आ गया था। उस डिप में बहुत सारे लोगों ने मौका उठाया और बहुत सारे लोगों ने बीटीसी को खरीदा है। अगर आपने भी खरीदा है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, नहीं खरीदा है तो आपने मौका खो दिया, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है, इतना नीचे बीटीसी दोबारा नहीं जाने वाला है। दोस्तों एल्गोरेंड ने लॉन्च किया है वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन जो कि बेस्ड होगा कोविड-19 पासपोर्ट के ऊपर, और ये उनके लिए जो कोविड-19 के पेशेंट्स है जो कि लड़ रहे हैं कोविड-19 से, उनके लिए एक पासपोर्ट बनाया जाएगा, तो उन्हीं के लिए बेसिकली ये है। और इसी के वजह से एल्गोरेंड का जो कॉइन है उसमें आपको थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकता है। दोस्तों रिपल के जो को फाउंडर है क्रिस लार्सन, उन्होंने अपने संपत्ति का कुछ हिस्सा खो दिया है रिपल के वजह से। रिपल में इतना बड़ा गिरावट आ गया था उसके वजह से, जहां पर उनका मेन एसेट था $6.9 बिलियन का, वहीं अब घट के आ चुका है $5.6 बिलियन। लेकिन अब आप देख रहे हैं रिपल का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि उनका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा, और आपका भी जो लॉस है वो भी जल्दी रिकवर हो जाए। दोस्तों आज वीचैन ने बताया कि हमने ओशियन से 305 मैट्रिक टन प्लास्टिक को क्लीन किया है। तो यहां पर वीचैन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हुए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वो काम भी कर रहा है। तो अगर आपने वीचैन पे नहीं लगाया, क्योंकि जो वीचैन का प्राइस है कल बहुत ज्यादा नीचे आ गया था,
वैसे जितना तेजी से वो ऊपर गया था उतना तेजी से वो नीचे भी आया है, लेकिन अब उम्मीद यही किया जा रहा है कि वो फिर से ग्रोथ पकड़ेगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि वो आ गया 14-15 पे शायद से, आप देख लीजिएगा कॉइनसेट या फिर वजीरएक्स पे आपको मिल जाएगा। लेकिन जब उसका हाईएस्ट आप देखेंगे तो 20-22 तक गया हुआ है, तो आप अभी लगाओगे या फिर आप लगा के रखे हैं तो एवरेज कम कर लीजिए, आपको ये कॉइन जल्दी ही फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की क्रिप्टो न्यूज़ खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसी तरीके की वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।